मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में त्रिवेदी का सारे दोस्तों को प्रणाम है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ही फरमाइश पर आज ये वीडियो लेकर के आपके बीच आ रहे हैं कि एक भैया हमारे फरमाइश किए थे कि सर मुझे अपने ही रंग में रंग लो, तो थोड़ा सा गुनगुना करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये ताल आपको हम पहले दे चुके हैं, उम्मीद है कि ये ताल आप कर लिए होंगे तैयारी, इसलिए उतना बारीकी से नहीं, आपको मेन मेन जो मैंने किस ढंग से आपको किस लय में ठेका को रखना है। देखिए पिकअप और ठेका को इतना आसान तरीका से नहीं रखना है, हम लोग कोई भी सॉन्ग में यदि उसको रखें तो उसका लय को मजबूत करके और मेंटेन करके रखें। आज के वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास मेरा रहेगा कि इस गाने में हम यदि बजाएंगे तो किस मिजाज में बजाएंगे, किस तरीके से बजाएंगे, लय को मेंटेन करके रखेंगे हम, और लय मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस भजन में एक दो पॉइंट ऐसा है जो ताल से अलग हटके भी भजन है, लेकिन हमको अपने जगह पे रहना है, ताल पर बांध करके बजाना है ताकि वो फिर रिटर्निंग जो है राग में अपना काम करके आ जाए, अब फिर उसी जगह से आपका ताल खिल जाए और बजते रहे, इस बात पे जरूर ध्यान देना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना के आपको शुरू में बजाएं, अभी फिर जरा सा गुनगुना रहे, इसके बाद इसका बारीकी बताएंगे। मुझे अब थोड़ा सा हमको भजन गायक तो हम है नहीं, लेकिन थोड़ा सा नज़रअंदाज आप लोग जरूर करेंगे क्योंकि हमको भजन गाने नहीं आता है, तो आपके फरमाइश पे थोड़ा बहुत गुनगुना के आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सांवरे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो लय है एकदम बांध के रखना। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। इसका जो चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं वो हमको लगता है कि आप गौर करें, वो चीज जब वो अंतरा में आ रही है या लाप ले रही है तो आपका ताल को किस हिसाब से उसी लय को मेंटेन करना है। इस बहुत पॉइंट वाला चीज है, ये मान लीजिए लय लेके के चल रहे हैं आप, अब इसमें इतना खो जाना है आपको कि एकदम बन जाए, लय बना रहे। Oh,
देखिए मेरा कहना है कि जो मेन चलन है ये इसका जगह आपको बरकरार रखना है, एक रंग रखना है, एक टेम्पो रखना है, टेम्पो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसका रियाज भी जरूरी है, तब आप भजन के साथ बजाएंगे तो मजा आएगा। हालांकि आपको हम दे रहे हैं भजन के साथ, बता रहे हैं कि आपको इसी ढंग से लगाना है, भजन के साथ भी लगाते लगाते अभ्यास होता है, अच्छी बात है, भजन के साथ बजाए, लेकिन अपना जो मेन ताल है इस पे फोकस ज्यादा रखना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यदि कोई भजन गा रहे हैं ये ताल को लगाने में थोड़ा सा महसूस मैंने थोड़ा सा बजा फिर रुक गया हाथ या जरा सा दिक्कत हो गया, तो इसको दूर करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि पहले इसको बना लेना। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सामने, मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सामने, मेरे यार सामने बोल और ढोलक का बोल में थोड़ा सा अंतर भी हो जाता है, कभी क इधर से निकलता है तो इधर से भी क निकलता है, इसलिए प्रॉपर बोल को देने में आपको हमको नहीं बनता है। हालांकि आपको ये ताल पहले से दिए थे बस इसी ताल को फॉलो करेंगे आपका ये भजन बच जाएगा। मुझे अब कुछ नहीं है इस भजन में, खाली इस भजन में है क्या कि उस लय को मेंटेन आप कर पाए। कि आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा बारीकी हम बताना चाहेंगे आपको कि थोड़ा सा बारीकी बता दें आपको, हो सकता है आप ध्यान नहीं दें इसलिए बारीकी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपको ज्यादा बारीकी में इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे कि ये सब ताल हमको पीछे दिए हुए हैं वीडियो में तो आप कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन आप उस मिजाज को रखेंगे तब इस भजन पे अच्छा से आप बजा पाएंगे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सारे, ये नहीं इसका जगह को समझना, din din da di tak tak din din da di tak tak din din, इसको खाली जगह पे रखना पड़ेगा आपको। श्याम पिया मुहे रंग दे चुनरिया, ऐसो रंग दे जो छून हटके भी है, ऐसो रंग दे बस लय को पकड़ना तब बजेगा।
पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी आप इतना कर ले, इतना यदि आप कर लेते हैं, लय में रहते हैं, तो देखिए होता क्या है कि कुछ टुकड़ा तिहाई आप नहीं भी जान रहे हैं, बहुत ज्यादा आप चीज को नहीं भी जान रहे हैं, यदि आपके पास लय दुरुस्त है तो आप अच्छे अच्छे कलाकार का मन जीत सकते हैं। पहले लय जरूरी है, इसलिए इस गाने पर आपको पहले यही बजाना है। हालांकि कीर्तन के हिसाब से, जागरण के हिसाब से कुछ अलग हटके भी बजता है, जो आपको थोड़ा सा हम बजाते हैं। यदि आपका फिर से कुछ कॉल ऐसा आएगा तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे। मुझे अपने ही रंग में रंगे, तो ये भी सिंपल थिंग, ये भी चीज आपको हम पहले के वीडियो में दिए हैं, इसलिए इसमें भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दिए हैं आप जरूर कर लिए होंगे। देखिए पीछे का चीज मेरा यदि आप तैयारी नहीं करते हैं तो आगे आपको थोड़ा सा समझने में वो हो जाएगा, क्योंकि हर एक ताल को हम बता दिए हैं, आपको बोले भी हैं पहले के वीडियो में कि जो जो ताल हम बताते जा रहे हैं आपको, वैसा समय आएगा कि हर जगह मने वो लगते चला जाएगा। इसलिए आप यदि ये ताल को बारीकी से देखना चाहते हैं तो पीछे भी आप देख सकते हैं, ये भी यूज हो सकता है। मुझे अपने ही रंग में, या तो आप दोनों यदि तैयार कर लेंगे तो यहाँ देखिए कहाँ चेंज करके आप लगा सकते हैं। मुझे अपने ही रंग में, यहाँ यह चलेगा यार सांवरे, यार सांवरे दिलदार, अब यहाँ चेंज कर दिया। तो ये होगा क्या कि यदि दोनों तैयारी किए हैं तो दोनों आप बजा सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं, ले लेकिन रखना पड़ेगा। खाली लय रख देंगे बहुत गाना में बजेगा, बहुत भजन में बजेगा। पूरा उम्मीद है कि बहुत सिंपल ताल है, आप किए हैं, खाली आपको हम मिजाज बताएं कि आपको इस ढंग से रखना है। ठेका को रखने का ही मोल है, एक बार रख दिए जो लय में तो वो टेम्पो बरकरार रहे, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको आपको सीखना है, इसमें साधना करना है। हमारे वीडियो से जो भी भैया नया जुड़े हुए हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करें। आइए अगले वीडियो में फिर कुछ न कुछ लेकर के आपके लिए जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें, प्रणाम।